Never miss a moment of 2014 FIFA World Cup. I, me and my live sports dot in, simply sportainment. वीर भाई जी राणा उदय सिंह की पत्नी है, गौरव है मेवाड़ का, और मेवाड़ में किसी को अपनाने के बाद छोड़ने की परंपरा नहीं है राजा मालदेव जी। और आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके कहने पर हम अपने विवाह को भंग कर देंगे? आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके कहने पर हम अपनी पत्नी को निस्सहाय छोड़ देंगे? तो आप मेवाड़ के अतिथि हैं, इसलिए हमने आपकी इतनी बात सुन ली, अन्यथा अन्यथा अन्यथा। शांत हो जाइए दर्जीराज, इतने तनाव में कभी किसी का कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं राम सिंह, अब कोई लाभ हानि की बात नहीं होगी और ना ही इनके साथ कोई वार्ता होगी। राणा उदय, हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे राणा परिवार को इस धरती से ही मिटा देंगे। राजा मालदेव, राजा मालदेव, यदि आप इस समय मेवाड़ के अतिथि नहीं होते तो यहां से आपका शव ही वापस मारवाड़ जाता। आप लोग शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए, अन्यथा बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। मालदेव जी, आप हमारी बात सुनिए। युद्ध युद्ध मेवाड़ के साथ युद्ध होगा। हर बात का निर्णय अब कुंभलगढ़ में होगा। शोक मत मनाना गुरु, बल्कि आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। ये ऐसे परिवार के साथ संबंध होने से हम बच गए। चलिए सब मेरे साथ। चले जाएंगे दाजीराज, पर यूं नहीं। राम सिंह, अपनी सीमाएं मत भूलो। मारवाड़ के राजा हैं हम, और हमने मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। तो इनके साथ कोई भी शांति वार्ता कैसे हो सकती है? ठीक है दाजीराज, जैसी आपकी आज्ञा। रुक जाइए कुंवर प्रताप, जहां खड़े हैं वहीं पर खड़े रहिए। हमारी बात सुनिए, हमने कहा रुक जाइए, हमारी बात तो सुनिए धीर भाई जी। क्या सुने राणा जी, आप सुनने को क्या रह गया? राणा जी, आप बाहर जाते हैं, एक सुंदर लड़की के प्रेम में पड़ते हैं,
और उससे विवाह करके उसे यहाँ ले आते हैं। हम पूछते हैं राणा जी, आपने हमें बताना या हमें सूचित करना अवश्य नहीं समझा? प्रेम में पढ़ने का तो प्रश्न नहीं उठता धीरभाई जी। हमने जो कुछ भी किया वो उनके गौरव की रक्षा के लिए की, उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया। विश्वास कीजिए हमारा धीरभाई जी। आप जो कुछ भी कह रहे हैं राणा जी, वो हमारे लिए स्वीकारना बहुत कठिन है। क्या कहना चाहते हैं? विवाह के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं था आपके पास? या सारे ब्रह्मांड में उससे विवाह करने के लिए सिर्फ आप थे? और आप राणा जी, जिनके पास पहले से 3 रानियां हैं, जिन्हें अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां करनी है, आप तो हम सबको हतप्रभ करके विवाही कराए राणा जी। आपने अपने सारे बने बनाए समीकरण को उल्टा क्यों पढ़ने दिया? सुंदरता के लिए आपका नैसर्गिक आकर्षण स्वाभाविक दिख रहा है राणा जी। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ। हीर भाई जी, बात सुनिए हमारी। अजय भाई जी, आपको तो हमारी बातों में विश्वास है ना, जाइए और समझाइए धीर भाई जी को। सच्चा भाई जी, हम धर्म संकट में फंस गए थे। हमने जो भी निर्णय लिया वो विवश होके लिया। समझाएंगे तो हम तब राणा जी, जब पहले हमें ही आपकी बातें समझ आ जाए। क्योंकि हमें तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि आपने इतनी शीघ्रता में विवाह क्यों किया। चेवंता भाई जी, जानते हैं कौन है। हमारे इस निर्णय ने अगर सबसे ज्यादा दुख किसी को दिया है या सबसे ज्यादा हानि किसी को पहुंचाई है तो वो आप है। हमने कहा था आपसे कि अजबदे को भूल जाइए। जब अजबदे को अपमानित कर इस महल से बाहर निकाला जा रहा था, तब हम एक मूक दर्शक बनकर देखते रहे, केवल मेवाड़ और मारवाड़ की एकता के लिए। इतना प्रयास किया हमने इस एकता के लिए, लेकिन आज देखिए वही मारवाड़ और मेवाड़ की एकता छिन्न भिन्न होकर रह गई है। आपका बलिदान व्यर्थ हो गया कुंवर प्रताप। क्या आप कभी अपने दाजीराज पर विश्वास कर पाएंगे? क्या आप कभी अपने दाजीराज को क्षमा कर पाएंगे? क्या आप इस बात को मान पाएंगे कि फेरवा में जो कुछ भी हुआ वो मात्र एक दुर्घटना थी? बोलिए कुमार पिता, उत्तर दीजिए। दाजीराज, हम आपके हर निर्णय में आपके साथ थे, के साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। हम आपके पुत्र हैं दाजीराज, इसलिए हम कभी आपके किसी कार्य, किसी विश्वास पर प्रश्न नहीं करेंगे। क्योंकि किया तो ये अधर्म हो जाएगा और आपके मान सम्मान के लिए हमें किसी से भी लड़ना पड़ा दाजीराज, तो हम अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा के साथ लड़ेंगे। ये कह रहा नहीं, आपकी नई माँ का स्वागत हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा?
मुगल में पाव रखे वीर भाई जी। ये हमारे कुलदेवी का मंदिर है वीर भाई जी। अब आप हमारे परिवार का अंग बन चुकी हैं, इसलिए सबसे पहले सुख समृद्धि, मनवांछित फल और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आपको इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ये प्रसाद कुलदेवी को चढ़ा दीजिए। वीर भाई जी, धीरे धीरे और एक एक करके हम आपको मेवाड़ के राजमहल के सभी नियम, उपनियम एवं संस्कार और इस कुल के मूल्यों से आपका परिचय करवा देंगे। किंतु अभी आप थोड़ा विश्राम कीजिए। सुनो, वीर भाई जी को सम्मान सहित उनके कक्ष में ले जाओ। हमारे लिए तो आप ही देवी हैं महारानी जी। जो कुछ भी हमने किया वो इसलिए क्योंकि हम मेवाड़ की पाटवी रानी हैं। चाहिए जब किसी ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया तब आपने हम पर विश्वास किया। धन्यवाद जयंत भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या हम ये मान लें कि आपने हमें क्षमा कर दिया? हम कौन होते हैं किसी को क्षमा करने वाले, ना ही हम इस योग्य हैं और ना ही अधिकारी। ये कार्य और अधिकार सब कुछ इनका है। जा मेरे प्यारे कबूतर जा, ये संदेशा शहंशाह अकबर को सुना। इस आनंदमय संदेशे को सुनते ही शहंशाह अकबर हमें सोने की अशर्फियां, हाथी घोड़े सब दे देंगे। जा। हम अग्रणी हुकुम सिंह जी, रावत जी ने आपको तुरंत आपातकालीन बैठक में याद किया है। बाजीराज, राणा जी इस समय कई तरह की व्यक्तिगत और मानसिक समस्याओं से पहले से ही घिरे हुए हैं, इसलिए हम उन्हें और समस्याएं बताकर हताश नहीं करना चाहते। किंतु सत्य यह है, ये मारवाड़ अब इस राजपुताने के अन्य राजपूत राज्यों के साथ मैत्री संधियां करके युद्ध में अपनी राजनैतिक और सामरिक स्थितियां दृढ़ करने वाला है। अब यूं समझ लीजिए कि इस संभावित युद्ध से पहले हमारे इस राजपुताने में एक तरह का शक्ति परीक्षण होने वाला है। और बाजीराज, इस मारवाड़ ने तो हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी कर दी है। सबसे पहले तो रावत जी, हमें भी अपने आप को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए आप हमारे सभी मित्र राज्य को यह संदेश भिजवा दें कि वे इस युद्ध में हमारा साथ दें। बाबा जी, हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का युद्ध
क्योंकि टाला जा सकता है, टाला जाए। अन्यथा वो धूर्त मुगल मेवाड़ और मारवाड़ के बीच के संघर्ष का लाभ उठाकर राजपुताने पर हमला कर सकता है। और रावत जी, यदि ऐसा हुआ तो ये समस्त राजपुताने के लिए प्राणघाती आघात होगा। आपका कहना उचित है भौजी राज। हम तत्काल अपने सभी मित्र राज्यों को विशेष मैत्री संदेश भिजवा देंगे। और वो जो अलवर के दूध का शव मिला था, उसकी जांच में क्या प्रगति हो रही है? हमने अपने गुप्तचरों को सतर्क कर दिया है। हमारे बीच इन शत्रुओं का जो भेदिया है वो अधिक दिनों तक बच नहीं पाएगा, शीघ्र अति शीघ्र पकड़ा ही जाएगा वो। राजपुताने पर युद्ध के बादल गहरा रहे थे। मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के बीच युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। दोनों राज्य अपने अपने पड़ोसी राज्यों से इस संभावित युद्ध में अपने लिए सहायता जुटाने के प्रयास कर रहे थे। आदरणीय बीकानेर के राजा कल्याणमल जी, जैसे कि आपको अपने निजी सूत्रों से विदित हो ही चुका होगा कि आज दुर्भाग्य से मेवाड़ और मारवाड़ युद्ध के कगार पे खड़े हैं। अब निर्णय आपको करना होगा कि इस युद्ध में आप किसके साथ। हमारे लिए ये युद्ध अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए युद्ध है, क्योंकि राणा उदय सिंह ने अपनी सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए उस स्त्री से विवाह कर लिया है जिसके साथ विवाह करने में हम रुचि रखते थे। इसीलिए हम राजा मालदेव अपने सहयोग के लिए आपसे सप्रेम आग्रह करते हैं। डूंगरपुर ने आज तक हर परिस्थिति में मेवाड़ के साथ अपनी मैत्री निभाई है। उसी मैत्री के आधार पर हम इस संकट की घड़ी में भी आपसे पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसलिए हम राजा मालदेव सिंह आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, इस युद्ध में आप हमारा साथ दें। जहां एक ओर प्रताप को ऐसा आभास होने लगा था कि राजपूत रियासतें मेवाड़ के साथ ना आकर उससे अलग हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मारवाड़ के राजा मालदेव का आत्मविश्वास एक के बाद एक आ रहे सहयोग पत्रों से बढ़ता जा रहा था। ये अंतिम संदेश हाकिमपुर के राजा रुद्र सिंह जी को भिजवा जाए कि भले ही बाकी सभी राज्य मारवाड़ की ओर चले जाए, किंतु हाकिमपुर का साथ हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक हो सकता है। निसंदेह बाबूजी राज, और अभी करेरा और हिसार से भी हमारे भेजे संदेश के उत्तर आने बाकी हैं, और इन दोनों ही रियासतों से सकारात्मक संदेश आता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। हकीमपुर, करेरा, हिसार, निर्णायक सहयोग। ऐसा क्या पैगाम भेज दिया हुकुम सिंह ने शहंशाह? क्या फंसते ही जा रहे हैं? खान बाबा, मेवाड़ और मारवाड़ में जंग होने जा रही है। हाँ हाँ, अब हम सही मायने में बन जाएंगे। शहंशाह है।